मुंबई से सटे विरार में स्थित मराठा लाइफ फाउंडेशन वृद्धा आश्रम में आश्रम के तरफ से क्रिसमस के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आश्रम में स्थित सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वैसे हम आपको बता दें कि यह आश्रम 103 वर्ष की मातोश्री श्रीमती वंचना लोखंडे और उनके पुत्र श्री किशन लोखंडे द्वारा चलाया जाता है। अगर आप इस नेक काम में इस वृद्धा आश्रम की मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर यहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं तो देखो आर्मी से रिटायर हूँ और मम्मी पापा ने सपना उन पूरा करने के लिए मैं वृद्धाश्रम खोला है। और जब से शुरुआत से अभी आज 11 साल हो गए, बबीता दीदी हमारे साथ में हर फेस्टिवल हम लोग खुशी से मनाते, स्पेशली आज का क्रिसमस का त्यौहार है और नया साल का, तो जीजू बबीता दीदी ये आके बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके लिए मैं आभार मानूंगा। उनके मम्मी उनके जितने रिश्तेदार पूरे आके आश्रम में इतना बड़ा फंक्शन करके आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं और अनाथों की बहुत सेवा करते हैं, पूरा दिन भर इंटरटेनमेंट रहता है। तारीफ के योग्य तो प्रभु यीशु है और मुझे अच्छा लगता है ये आश्रम मेरे भाई का है और मुझे लगता है हमारा आश्रम है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम डे वन से यहाँ पर आते हैं और अपनी खुशियों को यहाँ पर बांटते हैं, हर हम दुख सुख में यहाँ पर आते हैं, हमें अच्छा लगता है और ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम यहाँ पर आकर उनके साथ में अपनी खुशियों को शेयर कर सकें, है ना। बहुत से लोग हैं जो अपनी खुशियाँ अपने साथ ही मना लेते, लेकिन हमें खुशी होती है अपनी हर खुशी, चाहे मेरे बच्चे का बर्थडे हो, मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या मेरी मम्मी का बर्थडे हो, हम यहाँ पर ही आकर सेलिब्रेशन करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम इनके साथ में अपनी हर खुशियों को शेयर कर सकें। अच्छा, कब से आप इस तरह बच्चों में अनाथों के बीच आके आप कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से? जी हाँ सर। क्रिसमस का त्यौहार बहुत धूमधाम से हर जगह हर देश में मनाया जा रहा है जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है? हमें खुशी होती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सारे जगत के लिए आए, अमीरों और गरीबों के लिए आए, और इस खुशी को हम आश्रम में इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बातों को समझ भी नहीं सकते, ठीक से बोल भी नहीं सकते और ना ठीक से सुन सकते हैं, पर अगर हम ऐसों के जैसे आज आपने देखा हमने इन्हीं लोग के द्वारा क्रिसमस का प्ले तैयार किया और जो कुछ नहीं कर सकते थे उन्होंने प्रभु के लिए किया। तो आज का संदेश यह है क्रिसमस का कि जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर वो प्रभु यीशु को प्यार करते हैं तो वो बहुत कुछ जिंदगी में आगे कर सकते हैं। तो मेरी ये खुशी है जो मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस का त्यौहार सबके जीवनों में खुशियाँ लेके आए और सब प्रभु की महिमा के लिए जीने पाए। आप दोनों लोग आप भी बहुत अच्छा देती हैं,
ये कब से आपके मतलब कब से दे रही हैं? 26 साल मुझे हो गए, मुझसे कहीं ज्यादा साल इनके हो गए, 30 साल मुझे हो गए। और अच्छा लगता है कि लोग अच्छों के बीच में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, है ना, ऐसों के बीच में जल्दी लोग आना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारा शुरू से दर्शन रहा है कि हम ऐसों के साथ ही खुशियों को मनाएं, ऐसों के साथ ही हम त्यौहार सेलिब्रेशन करें। और हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छों के बीच में दुनिया जाते, पर ऐसे लोगों के बीच में आना एक बड़ी बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, नया साल आ रहा है, 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस का बहुत बड़ा त्यौहार है। हाँ, यीशु के बारे में तो बहुत अच्छा है कि ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत खुशी की बात है। और हम गांव से आए, हमारे भाई ने जो काम किया है बहुत अच्छा है, जिसको कोई नहीं है उसको अनाथों के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम गांव से आए। मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि लोग क्रिसमस का त्यौहार बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, आपके आश्रम में भी अभी प्रेजेंट है, इस समय आप अलग त्यौहार सेलिब्रेट करने, त्यौहार आप भी रहते हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि गरीबों के साथ हम लोग काम करते हैं, वो लोग का देखभाल करते हैं। मेरे मिस्टर ने जो काम शुरू किया है वो सबसे अच्छा काम है, सब लोग उन लोग का तारीफ करते हैं। मेरे ऑफिस में भी ज़्यादा लोग अच्छा काम किया ऐसा सब लोग बोलते हैं, अच्छा लगता है सबके साथ काम इधर आके सब त्यौहार मनाने के लिए हम लोग को बहुत खुशी होती है। अच्छा, आपके यार जो फ्रेंड सर्कल में आपकी सभी सहेलियाँ हैं वो लोग क्या आपके आश्रम में आती रहती हैं? आती रहती है, अभी तक तो 2-3 लोग आके गए, एक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक मेरी फ्रेंड आके गई है, अभी तक तो ज़्यादातर नहीं आए, लेकिन आएंगे, इससे अभी आगे से बोलेगी तो सब लोग आएंगे। सर को कितना सपोर्ट रहता है? सर को ही पूछो कितना मैं सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, वही पुलिस में तो है, बहुत साल 32 साल से सर्विस कर रहे हैं, अपना सैलरी का 30,000 रुपये महीने का देते हैं, और संडे हर संडे यहाँ आके अनाथों की सेवा करती है, और बड़े बड़े फंक्शन होता है उसमें भी शेयर बटाते हैं, जो खर्चे में बहुत सारा सपोर्ट करती है, जो भी काम चल रहा है फैमिली के सपोर्ट से कर रहा है। जैसे गांव में भाई को बोलते हैं तो भाई रातों रात निकल के आ जाता है, इतना बड़ा फंक्शन में हर एक फंक्शन में भाई ने साथ दिया है, और गांव से आके एक दो दिन रह के इधर सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट, बाकी इधर काम के लिए पैसा जरूरत पड़ता है पैसे के लिए पूछते हैं भाई, और सब लोग मिलजुल के हम बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। ये परिवार है ना, पूरा परिवार है ये, जो हम एक परिवार होकर के ऐसे नए साल में हम इस साल में बहुत हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करें कि इस साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव ना सिर्फ हम लोगों के जीवन में पर बहुतों के जीवन में आए हैं। और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु 2019 आशीषों का साल हो, फाइनेंशियली भी लोगों को आशीष मिले और सेहत में भी आशीष मिले, और जो इस साल नहीं मिल पाया आने वाले साल में उन्हें दुगनी रीति से मिले। हम ये दुआ कर रहे हैं और दुआ दे रहे हैं लोगों को कि प्रभु ऐसा अनुग्रह करें। जो भी 2018 में जो साल गया उसमें बहुत अच्छा था, इससे भी अच्छा साल 2019 जाए, बहुत मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस 2018 में हुआ है। इस जगह का 7 बारा था और मेरे नाम पे हुआ, मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस का प्रॉब्लम था वो भी सोल्व हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गए, इतना ही कि जहाँ तक मेरा पैसा फंसा हुआ है सिक्योरिटी का वो नहीं आ पाया 18 में, 19 में मैं प्रभु से 19 में आने का बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ मैंने सिक्योरिटी का बिजनेस दिया है वो पैसा फंसा हुआ है 19 में मिले, तो मैं अभी 100 आदमी को संभाल रहा हूँ, तो 200 आदमी संभालने की कैपेसिटी रखूँगा, और मैं बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए अच्छा सर्विस दे पाऊँगा। थैंक यू। ये डबल ब्लेसिंग का साल है, और हम विश्वास करते हैं जो कुछ हम इस साल में नहीं कर पाए परमेश्वर आने वाले 2019 में वो सब कुछ हमारे लिए करने वाला है। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।